कसौली विधानसभा क्षेत्र की कुम्हार हट्टी में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मन की बात कार्यक्रम को सुना के इस दौरान उनके साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल और बीजेपी जिला अध्यक्ष सोलन रतनपाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे थे। उन्होंने कहा, देश में एक अनूठे कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, इसका लाखों करोड़ों लोग इंतजार करते हैं। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत में विपक्ष ने इसका मजाक उड़ाया था, लेकिन आज वो भी इस कार्यक्रम को सुनते हैं। आज मन की बात कार्यक्रम पार्टी और उनकी पार्टी के विचारों तक ही नहीं बल्कि देश का कार्यक्रम बन चुका है। इस बात की प्रसन्नता है कि देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया पूरे देश में, जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में लोग उसको इंतजार करते हैं देखने के लिए, और वो कार्यक्रम है मन की बात। और मैं इस बात को भी याद करता हूं कि शुरू के दौर में हमारे विपक्ष के लोगों ने बहुत उस कार्यक्रम का मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति बन गई। आज हमारे साथ वैचारिक दृष्टि से अगर कोई आदमी सहमत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मन की बात देखने के लिए समय निकाल कर अपने टेलीविजन के सामने बैठते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश भर में ऐसे लोग जिनको अपॉर्चुनिटी, जिनका अवसर नहीं मिल पाता है एक्सपोजर का, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको एक्सपोजर भी मिलता है, पहचान भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है।